हाय एवरीवन माय नेम इज दीपक गुप्ता इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में ठीक है प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते होते हैं हैं कितने टाइप्स के विद एग्जांपल हमने कवर किया था अगर जो आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्प क्लियर चलिए हम बात करते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स डू नॉट चेंज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ क्लासेस मैथड्स कंस्ट्रक्टर्स और वेरिएबल्स

एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ठीक है प्रीवियस वीडियो में अगर जहां आपका छूट गया तो देख लो इंटरव्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए वन बाय वन हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले आपका फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर ठीक है तो फाइनल मॉडिफायर ही बता दो ठीक है देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है इस डेफिनेशन लिखा हो पहले आप डेफिनेशन समझ लो थियोटिकल समझ लो देन प्रैक्टिकल करेंगे ठीक है फाइनल मोडिफायर कैन बी यूज विथ वेरिएबल मैथड एंड क्लास किसके साथ यूज कर सकते हैं फाइनल को जो फाइनल मोडिफायर हैल्यू अगर जहां वेरिएबल को फाइनल बता दिया था आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते ठीक है इफ मैथड इज डिक्लेयर्ड फाइनल देन इट कैन नॉट बी ओवर रिडन आप ओवर नहीं कर सकते अगर जहां किसी मेथड को आपने फाइनल बता दिया एंड इफ अ क्लास इज डिक्लेयर इनहेरिट इट अगर जहां किसी क्लास को आपने फाइनल बता दिया तो उसको आप एक्सटेंड इनहेरिट नहीं कर सकते क्लियर है चलिए हम प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं वन बाय वन तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ फाइल का नेम नॉन डॉट जावा दिया हूँ आप कुछ भी दे सकते हो चलिए एंड देन क्लास का नेम दे दिया मैंने डेमो ठीक है मेन मेथड और यहां पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं और ये आपका लोकल वेरिएबल है ठीक है लोकल वेरिएबल अब इसको मैं पहले प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और एक्स को प्रिंट करा तो ये हमारा आउटपुट टेन आ जाएगा अभी देखना चलिए अभी मैं कहीं पे फाइनल नहीं लगाया ठीक है चलिए मैं कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ सी एम डी देन सी डी डेस्कटॉप CD, Java नाम का फोल्डर में जाना है देन मेरा फाइल का नेम है ठीक है देखो कंपाइल्स फाइन क्लास का नेम है डेमो देखो प्रिंट कर रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करके देखता हूं अभी मैंने फाइनल नहीं लगाया तो चलो मैंने ट्वेंटी दे दिया एक्समी वैल्यू अब आना चाहिए आपके पास आउटपुट टू ट्वेंटी चलिए देखते हैं कंपाइल्स फाइन देखो ट्वेंटी रहा है लेकिन मैं जैसे इसको फाइनल बताऊंगा अब आएगा एरर देखो चलिए देखो क्या आ रहा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं फाइनल वेरिएबल को क्लियर है पॉइंट तो आपने एक बार फाइनल बता दिया तो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं. तो आपका अब मैं इसको अगर जहां चला हूं तो ये चल जाएगा और टेन आउटपुट आएगा आपका देखो क्लियर है पॉइंट आई होप क्लियर है ये है आपका एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू देखो अब यहाँ पे कोई मेथड बना लेता हूं मैं इसके अंदर मैंने कोई फाइनल मेथड बना लिया वाइड एड नाम का और इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू टू ठीक है एंड देन प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यहां पे मैसेज दे देता हूं द सम प्लस ए प्लस बी कर देता हूँ क्लियर है अब ये जो है ना ये मैं क्लास क्लोज कर देता हूं ये डेमो क्लास के अंदर है मेथड ठीक है एक मैं क्लास बना लेता हूं डेमो वन के नेम से एंड देन एक्सटेंस करूंगा मतलब इनहेरिट करूंगा किसको डेमो को ठीक है अब यहाँ पे क्या करूंगा जो हमने इनहेरिट किया बेसिकली इस क्लास को और इस मैथ को एज एट इज मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्लियर है डन पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया यहाँ पे दे दिया मैंने तीन नंबर को एड करा रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी क्लियर है पॉइंट डन और इस चीज को हटा दिया अब इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डेमो वन का डे इक्वल टू न्यू डेमो वन अब मैं अगर जहां ऐसे करता हूं डी डॉट एट तो एरर आएगा क्यों आएगा क्योंकि ये जो मेथड कहलाता है ये मेथड क्या कौन सा मेथड कहलाता है ओवरराइड मेथड मतलब सेम सिग्नेचर सेम मेथड नेम आपका जो पेरेंट क्लास में डिक्लियर है एज एट इज हम चाइल्ड क्लास में यूज कर रहे है। हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग ओवर राइडिंग मैथड ठीक है अब ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट तो सही है लेकिन हमने यहाँ पे फाइनल लगाया जब फाइनल लगा दिए तो आप जो पेरेंट क्लास मतलब जो डेमो क्लास के अंदर मेथड है उसको आप एज एट इज आप चाइल्ड क्लास में यूज नहीं कर सकते मतलब ओवर नहीं कर सकते अगर जहां मेथड को आपने फाइनल बता दिया तो देख लो इस केस में भी आपका एरर आएगा देखिए एरर आया क्लियर है पॉइंट डन अगर जब मैं फाइनल हटा दूंगा तो ये चलेगा देखो क्योंकि ये ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ओप्स कॉन्सेप्ट में है ना तो मैं क्या कर लेता हूँ थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को चलो देखो कंपाइल हो गया और आपका क्लास का नेम है देखो पे सम इज आ रहा है है क्लियर अगर मैं फाइनल कर दूंगा तो इस केस में इसके आई होप क्लियर है ठीक है ना अगर जहां आप मेथड को फाइनल कर दिया तो उसको ओवर नहीं कर सकते एग्जाम्पल नंबर थर्ड अगर जहां किसी क्लास को बता दिया है तो उसको भी आप इनहेरिट नहीं कर सकते मतलब जो हमने क्लास यहाँ पे बनाया है ना इसको ही फाइनल बता देता हूँ ठीक है और ये वाले चीजें फाइनल हटा देता हूं यहां से भी फाइनल हटा देता हूं तो देखो मैंने अगर जहां फाइनल बता दिया क्लास को ही तो आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते okay. clear a point, done. तो इस केस में भी आपका एरर आएगा चलिए देखते हैं कंपाइल कर देखो एरर आया कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल डेमो क्लियर है पॉइंट चलिए आई होप क्लियर की फाइनल नॉन एक्सेस मोडिफायर का क्या काम है ठीक है चलिए देन है स्टैटिक मॉडिफायर देखो स्टैटिक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ठीक है स्टैटिक 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 वेरिएबल ब्लॉक क्या होता है है ठीक कीवर्ड बेसिकली क्यों यूज करते हैं हमने डिस्कस किया था ठीक है अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो वेरिएबल वाली वीडियो ठीक है चलिए फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके अंदर स्टैटिक मॉडिफायर इज यूज्ड टू मेक अ फील्ड स्टैटिक ठीक है वी कैन यूज इट टू डिक्लियर

अगर जहां आपने स्टैटिक तो उसके लिए आपको क्या नहीं चाहिए होगा वी डोंट नीड टू हैव ऑब्जेक्ट टू एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है उसको एक्सेस करने के लिए ठीक है चलिए हम प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं तो मैं क्या करता हूँ इसी में इसको हटा देता हूँ फिर से मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ डेमो देन यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक पहले बना के दिखा देता हूँ मैं तो स्टैटिक ब्लॉक और यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैं यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक ब्लॉक अब ये जो लिखा हो ना ये जैसे क्लास लोड होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है याद रखना जैसे मैंने मेन मेथड बनाया और यहाँ पे कुछ नहीं किया देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बनाया तो यही पॉइंट तो मैंने लिखा है यहाँ पे देखो अगर जब मेथड के साथ भी बताओगे तो वी डोंट नीड टू हैव ऑब्जेक्ट टू एक्सेस दैट क्लियर पॉइंट चलिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है चलिए एक बार कंपाइल करके देखते हैं फाइन क्लास का नेम है डेमो देखो जरूरत नहीं आना क्लियर तो ये याद रखना ये है आपका एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू देखो अगर जहां मेथड को डिक्लियर कर दिया स्टैटिक चलो हम कोई मेथड ले लेते हैं यहां पे वाइड और एड नाम का मेथड ही ले, ले लेता हूं ठीक है और यहां पे मैंने कर दिया टेन प्लस टेन पहले इसी में पास कर दी क्लियर पॉइंट डन अब इसको मुझे एक्सेस करना है चलिए अगर जहाँ मैं अभी चलाऊ यहाँ पे देखो यहाँ पे कंपाइल करता हूं एंड देन यहाँ पे चलाता हूं तो देखो प्रिंट नहीं कर रहा है क्योंकि तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है क्लियर है हम क्या करेंगे भाई इसको कैसे एक्सेस करेंगे अगर जहां मैं यहाँ पे लिख दू डेमो डॉट एड चलिए अगर जहां मैं ऐसे लिखता हूं ध्यान देना डेमो डॉट एड चलिए अब चलाता हूं देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया ना Clear a point? देखो 10 plus 10, 20 आया क्योंकि इसको basically access करने के लिए object की required ही नहीं होता है 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 ठीक ठीक ना का क्या काम है, clear है? आज हमने डिस्कस किया बेसिकली नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं ठीक है थीके? कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है एंड एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया कौन कौन से फाइनल एंड स्टैटिक क्लियर आप लोग इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो ठीक है एंड लाइक like करो कमेंट करो शेयर करो यार सब्सक्राइब करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बाय